नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विदेनाथ झा। पुरातची थलाइवी अम्मा, हमारी क्रांतिकारी नेता अम्मा जयललिता को उनके समर्थक यही कहा करते थे। क्यों? क्योंकि उनकी छवि गरीबों की मां की थी। उन्होंने तमिलनाडु के लाखों लोगों को अपनी सरकार की योजनाओं से वो सुविधाएं मुहैया कराई जो उनके लिए सपने जैसा था। जयललिता के समर्थकों को लग रहा है कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री का निधन नहीं हुआ है बल्कि उनका कोई अपना उनसे बिछड़ गया है। यूं ही नहीं, किसी को पीढ़ियां याद करती हैं। यूं ही किसी की लार्जर देन लाइफ इमेज नहीं बनती। तर्क होता है, विश्लेषण होता है, परिस्थितियां गिनाई जाती हैं, तमाम फैक्टर्स बताए जाते हैं। किसी फेनोमेना या किसी निर्मित हुए इतिहास को परिभाषित करने के लिए, लेकिन वो परिभाषाएं अधूरी लगती हैं क्योंकि उन्हें समझा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और जयललिता का होना और अब दुनिया से विदा ले लेना सिर्फ महसूस किया जा सकने वाला ऐसा ही फेनोमेना है। अरे वो लड़की को कोई शादी में है, सोना मिलना तो बड़ा मुश्किल है। एक जमाने में अपने, मैं तंजावुर के रहने वाला, वहाँ के बारे में मैं थोड़ा बता सकते हैं, क्योंकि उधर में जमींदार का ये नौकर होता है, उसको जमींदार ने वो लेके देते हैं, 2 ग्राम लेके देते हैं। पूरा लाइफ में उसको गुलामी रखता था। ये अम्मा आया था, उसका खत्म कर दिया, खत्म करके 4 ग्राम में दे दिया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। MGR पीरियड में ये गांव में बड़े बड़े जमींदार लोग परंपरा से भी ये वो मनियागर राय से बोलते हैं आता है, वो खत्म कर दिया। वो सबसे बड़ा है, वो खत्म करके उसको भी सिटीजन ऑफ इंडिया, हम कुछ भी यह पदवी में रह सकते हैं करके बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। और उसका इक्वलेंट अम्मा भी बहुत सारा काम किया। गाँव में जाने के लिए बस स्टॉपिंग में हम जा रहा हूँ, हर व्यक्ति को पानी बहुत जरूरी है, पानी सस्ता में उन्होंने दिया था। इसके अलावा जो भी एक्सीडेंट हो रहा है उसको एम्बुलेंस दिया। हर गांव में हर बात बहुत गरीब लोगों को बहुत मदद होता था। ऐसा बहुत स्कीम है, उन्होंने चावल दिया, फ्री में दिया, और इतना प्यार करता लोग, रियल अम्मा अम्मा ही होता है। जयललिता की राजनीति को पैमानों पर कसा जाएगा तो कई विचारधाराएं सामने आएंगी, कुछ समर्थन की, कुछ विरोध की भी। लेकिन कोई तो करिश्मा था जिसे कल तक, उनकी मौत के पहले तक, जयललिता के कामों को रियल लाइफ में हुई घटनाओं के तौर पर दर्ज किया जा सकता था। लेकिन मौत के बाद अब वही किंवदंतियां हैं। ही इज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेशन, सी कंट्रोल द पार्टी अलोन एंड ही इज अ वन मैन आर्मी। खाना उणवगम, मतलब अम्मा उणवगम, 1 रुपया का इडली। मैं जब बचपन में स्कूल में पढ़ता था उसमें भी 1 रुपया का इडली नहीं मिलता था, आज भी 1 रुपया का इडली, 5 रुपया का लेमन राइस, 5 रुपया का वो चावल मिलता था। ये तो बहुत सक्सेसफुल ऑल ओवर इंडिया उनको ट्रेन किया, हॉस्पिटल में, बस स्टैंड में, जहाँ पर MCD ऑफिस में, सब जगह पे ये अम्मा उणवगम बहुत अच्छा किया। उसके बाद लेडीज़ के लिए साइकिल दिया, लैपटॉप, जो प्लस टू लेडीज स्टूडेंट के लिए लैपटॉप दिया। पॉजिटिवली कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो द पब्लिक विल नॉट स्पेयर दम। पब्लिक इज टोटली लॉयल, कमिटेड टू अम्मा। द न्यू गवर्नमेंट ऑफ ADMK विल हैव टू नेसेसरली फॉलो हर डिसीजंस एंड प्रो पुअर पॉलिसी, दे शुड कंटिन्यू। जयललिता एक राजनेता थी। नेता बनने से पहले 15 साल की उम्र से ही अदाकारा थी, यानी बचपन को छोड़ दें तो कभी वो खुद की नहीं रही।
उनकी जिंदगी में पब्लिक थी, पब्लिक उनकी जिंदगी थी, लेकिन क्या कहीं वो अकेली भी थी? जरूर रही होंगी, लेकिन जो अकेलापन कल तक उनके भीतर सिमटा था, आज वो बाहर है, उनके समर्थकों में बिखर गया है। समर्थक बिलख रहे हैं, अपने नेता की अंतिम विदाई से अकेले हो चले हैं। मुंबई से नित्यानंद और दिल्ली से रवि त्रिपाठी के साथ प्रसाद भोसेकर, जी मीडिया, चेन्नई। जयललिता की सरकार ने गरीबों को सीधा फायदा पहुंचाने वाली कई योजनाओं की शुरुआत की थी। इन योजनाओं का मतलब था गरीबों को रियायती दरों पर कई सुविधाओं को हासिल करवाना। जयललिता सरकार की योजनाएं अम्मा ब्रांड के साथ लॉन्च की जाती थी और इन ब्रांड्स की कामयाबी ही जयललिता की राजनीति की कामयाबी थी। These are the final rites now happening of the beloved Amma, somebody who will always state honors being accorded to the late Tamil Nadu Chief Minister J. Jayalalitha, who died, who passed away late last night at 11:30 late last night at the Apollo Hospital. एक श्रद्धांजलि है। श्रद्धांजलि आंसुओं में भीगी हुई है। உலகமே இல்ல. ஆனா இப்ப வந்து அம்மா உணவு வந்து இல்லாத பட்டங்க ஒரு 5 ரூபாய். ஜெயலலிதா इतनी लोकप्रिय थी, कोई कह सकता है कि उन्होंने बेहद सस्ती अम्मा कैंटीन खोल दी, गरीब लड़कियों की शादी के मौके पर सोना बांटने की स्कीम चला दी, स्कूली लड़कियों को लैपटॉप बांट दी, लेकिन ये तो दूसरे राजनेताओं ने भी की। और तमिलनाडु के लिए सच पूछा जाए तो ऐसी स्कीम जिसे दिल्ली के चश्मे से फ्रीबीज यानी मुफ्त का माल कहा जाता है, उसकी शुरुआत तो डीएमके की करुणानिधि सरकार ने की थी। तो फिर क्या था, क्यों इतना जन समर्थन था, क्यों भ्रष्टाचार के आरोपों और अपनी मनमर्जी पर पार्टी और सरकार चलाने के आरोपों में घिरने के बावजूद जयललिता फीनिक्स बनती थी, हार कर भी कभी नहीं हारती थी। तो इन सवालों का जवाब सुनिए। यहाँ पे समाज का किसी तरह कोई भेदभाव नहीं रखते थे, उन्होंने जितनी भी स्कीम निकाली एक से एक लाजवाब रही। जयललिता के जैसे तो अन्ना डीएमके मुकाबला नहीं है। जयललिता ने अपनी स्कीमों को एक ब्रांड बनाया, अम्मा ब्रांड। इस ब्रांड के पीछे राजनीति तो जरूर थी, लेकिन भरोसे का मुलम्मा भी था, क्योंकि किसी ब्रांड के नाकाम होने का मतलब था जयललिता का नाकाम होना। इतनी पना 1000 रुपये எல்லா துணிமணியே அந்த அம்மா இருக்கிறது தொட்டு அம்மா அம்மா பலகம் அம்மா இறந்து தமிழகமே கொந்தளிக்குது। ரேஷன் துகானமே சப் குச்சு சாவல் சாவல் பீஸ் கிலோ சாவல் பிரீமியம் மில் ரஹா ஹை और दूसरा दाल अरहर की दाल मार्केट में 110 रुपये के बेच रहा है, वांगा 30 रुपये मिल रहा है, उरहर की दाल 30 रुपये का मिल रहा है। अम्मा कितना सब कुछ वो करा, और पानी पानी का वाटर आप कोई भी दुकान में जाओ 30 रुपये का कम वाटर ना यार, बस स्टैंड में अम्मा का वाटर पानी का वाटर 10 रुपीज़ का मिल रहा है, और पब्लिक के लिए बहुत बढ़िया हो रहा है। बहुत सक्सेस रहा है ये, बहुत सक्सेस। अभी सब उन्होंने कहा 5000 वैकेंसी तो अभी निकाला था, पूरा इनका निकाली पूरा फिलफिल किया। और सबसे बड़ी उन्होंने जो काम किया शराबबंदी पर, जो वादा चुनाव पे किया था कि इस देश को प्रदेश को हम बचाएंगे, उन्होंने शुरुआती 500 होते मुख्यमंत्री बनते साइन करके पहला ऑर्डर निकाला, 500 दुकानें इमीडिएटली बंद किया। जयललिता को अपनी पॉपुलर स्कीम को फ्रीबी यानी मुफ्त तोहफा कहने के बजाय बिना मूल्य की वस्तु कहना ज्यादा पसंद था। गरीबों के लिए उनकी सरकार की ये योजनाएं क्वालिटी और सर्विस में कहीं कोई चूक नहीं रखने की गारंटी के साथ लॉन्च की गई थी। अम्मा कैंटीन में 1 रुपए में इडली, 3 रुपए में दही चावल, 5 रुपए में सांभर चावल मिलता था। सरकारी बसों में अम्मा पानी 10 रुपए प्रति लीटर मिलता था। रियायती कीमत पर ताजी अम्मा सब्जियां मिलती थीं, जो खेतों से सीधे दुकान तक पहुंचती थीं। गरीबों के लिए कम दाम में अम्मा नमक मौजूद है। जरूरतमंद छात्रों को 2 GB रैम, 120 GB हार्ड डिस्क के साथ मुफ्त लैपटॉप और वाईफाई की सुविधा मिलती है।
गरीब तबके के लिए मुफ्त मिक्सर ग्राइंडर और पंखे की योजना है। अम्मा बेबी किट भी है, जिसके तहत तौलिया, मच्छरदानी, बेबी ऑयल, शैंपू, साबुन और नेल कटर दिया जाता है। ग्रामीण इलाकों में 190 रुपए की कीमत में अम्मा सीमेंट की भी योजना है। सस्ते दाम में बढ़िया अम्मा बीज मिलता है और तमिलनाडु सरकार रूफ गार्डन्स को भी बढ़ावा देती है। अम्मा फार्मेसी में बाजार से 10% कम कीमत पर दवाइयां मिलती हैं। 20,000 स्वयं सहायता समूहों के लिए अम्मा मोबाइल फोन मिलता है। अम्मा कॉल सेंटर भी है, जो सभी तरह की सुविधाओं के समाधान का सेंटर है। टैक्स, प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट से जुड़ी समस्याएं वहां सुलझाई जाती हैं। अम्मा सिनेमा का भी इंतजाम है, जहां 25 रुपए से भी कम टिकट पर फिल्में दिखाई जाती हैं। 7 शहरों में एयर कंडीशन्ड सिनेमा हॉल है। सवाल ये नहीं कि गरीबों की मदद के इस अम्मा मॉडल को सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है, या फिर इसे दूसरे राज्यों में लागू किया जाना चाहिए, या फिर जयललिता के न रहने पर ये योजनाएं तमिलनाडु में भी अच्छे से चल पाएंगी या नहीं। मुद्दा तो ये है कि कैसे जयललिता के करिश्मे ने इन योजनाओं को कामयाब बनाया। इस सवाल का जवाब ही ये बताता है कि जयललिता गरीबों की गॉड मदर क्यों थी। दिल्ली से रवि त्रिपाठी और चेन्नई से राकेश त्रिवेदी के साथ प्रसाद भोसेकर, जी मीडिया, चेन्नई।